so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. I want to. हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शूट कर रहा हूँ TVS की न्यूली लॉन्च एंटॉक सुपर स्क्वाड एडिशन, और ये मार्वल एडिशन भी आप लोग कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एवेंजर का एक छोटा सा लोगो, और पीछे में वकांडा फॉरएवर का एक टैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और पूरी स्कूटी पर्पल कलर में है, फ्रंट से देखो आप लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पल कलर में स्क्वाड सुपर स्क्वाड एडिशन। और यहाँ पे एक एवेंजर का लोगो, और यहाँ पे भी एक एवेंजर का लोगो। ये पोर्शन पूरी ब्लैक है, और जो इस पर स्टिकरिंग इफेक्ट है वो आपके पूरे पर्पल पे किए हुए हैं। तो बहुत ही काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, नीचे से देखो आप लोग एकदम यूनिक लुक आ रही है। मैंने तो बहुत सारे एंटॉक को रिव्यू किया, मतलब कि पुराने वाले, और ये भी जस्ट नई ली हाल फिलहाल में ये कलर लॉन्च हुई है। तो इसे आप लोग देखो, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे सारे एंटॉक में रहता है स्मार्ट एक्स का नेट, तो इसमें भी दिया हुआ है। लाइट आप देख सकते हो हैंडल पे, TVS का बैजिंग यहाँ पे, और ये फेस पे आपको एवेंजर का एक छोटा सा लोगो यहाँ पे दिख जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा है। साइड में आते हो तो सुपर स्क्वाड एडिशन का एक ग्राफिक यहाँ पे, एंड एंटॉक का एक यहाँ पे स्टिकर, और पर्पल कलर का ग्राफिक यहाँ पे, RT-FI इसमें रेस ट्यून्ड FI। और इस साइड आते हैं तो इस साइड में वकांडा फॉरएवर का देख सकते हो पूरा स्टिकर वकांडा का, और यहाँ पे एवेंजर का एक छोटा सा लोगो। यही ग्राफिक्स में ग्राफिक साइड की काफ़ी खूबसूरत है, आप लोगों ने सिनेमैटिक में देखा होगा। पीछे आते हैं यहाँ पे देख सकते हो 66 ये ग्राफिक्स पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे वकांडा फॉरएवर का एक स्टिकर आप देख सकते हो। इस साइड में सुपर स्क्वाड एडिशन जस्ट मीटर के नीचे में दिया हुआ है, और इस पर भी कुछ वैसी चेंज नहीं है टेक्निकली, बस ग्राफिकली चेंज है पूरी। और BS6 में ऐसा आप ये लुक देख सकते हो, और इस साइड में भी आपको मिल जाएगा वकांडा का स्टिकर, मतलब यहाँ पे ग्राफिक में, और एवेंजर के यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी ये वाली जो एंटॉक है इसकी लुक आ रही है, इसके जो ग्राफिक्स आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। नीचे मैट में फिनिश दिए गए हैं, आगे जैसे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहता है वैसी है। और अभी मैं शूट कर रहा हूँ दिल्ली में, शोरूम के बारे में आपको बताएंगे और इसके प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह भी बता देंगे आपको। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखो, एंड तक देखना, सब कुछ बताएंगे। बैक पे आते हैं तो ब्लैक कलर का बॉडी है बैक पे, और पीछे में भी देख लो यहाँ पे जैसे कार्बन फिनिश दिया हुआ है इस साइड एंड इस साइड। साइलेंसर आप देख सकते हो CVTIRE लिखा हुआ है, वकांडा फॉरएवर जैसे बताया था। तो बाइक स्कूटर की लुक बहुत ही खतरनाक आ रही है। तो आप लोग को अगर इसका कंप्लीट रिव्यू चाहिए होगा, मतलब कंप्लीट डिटेल रिव्यू, तो मेरे पुराने वीडियोस पे आप जा सकते हो, उस पर मैंने कंप्लीट रिव्यू दिया है इस एंटॉक पे। इस पर भी बता दे रहा हूँ, अब थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर रिव्यू दे रहा हूँ। जैसे कि 125cc की बाइक है, स्कूटर है, और 9.38 PS की पावर और 10.5 Nm टॉर्क आपको देगी। और आगे की ब्रेक्स आप देख सकते हो डिस्क में प्रेजेंट है, और TVS का टायर आपको मिलेगा फ्रंट में। जो टायर डायमेंशन है 100x80 का है, 12 इंच का एलॉय है, और ये आप डिस्क देख सकते हो फ्रंट की। बॉडी वगैरह के बारे में बताया, नीचे मैट में फिनिश है, ऊपर में पूरी एवेंजर लुक, पर्पल में आपको ग्राफिक्स, वकांडा फॉरएवर का एक स्टिकर यहाँ पे, वकांडा फॉरएवर पीछे लिखा हुआ भी है। मीटर के बारे में बता दिया था पहले वाले वीडियो में, अभी भी डिफाइन करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, मतलब कि उससे होगा कि अगर कुछ पुरानी बाइक की नई एडवांस में आती है, तो बार बार रिव्यू देने से अच्छा, बार बार एक ही चीज़ सुनाने से अच्छा आपको बस दिखा दूंगा, और पीछे रिव्यू के लिए पीछे आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि एक दो बार ब्लिंक करता है, वो हेलमेट के लिए आपको रिमाइंडर देता है। और ट्रिप का मीटर देख सकते हो, और यहाँ पे मोड, डिफरेंट मोड, स्पोर्ट मोड वगैरह, ये आपके फ्यूल की इंडिकेट करेगी, ये आपको स्पीडोमीटर,
यहाँ आप कितना मीटर चले हो, ओडोमीटर यहाँ पे टाइम इंडिकेट करेगा, फ्यूल का लाइट, इंजन का लाइट, लो पावर इकोनॉमी राइट लेफ्ट इंडिकेटर का, या आपका हज़ार्ड लाइट का हो गया जो चारों इंडिकेटर साथ में चलेंगे। और इस साइड में आपको हाई बीन, लो बीन और पास लाइट के लिए राइट लेफ्ट इंडिकेटर हॉर्न के लिए दिया है। और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच, सीट की कुशनिंग पहले जैसे ही काफ़ी शानदार है, काफ़ी सॉफ्ट है। एंटॉक का एक यहाँ पे मोनोग्राम, एंटॉक का पेट्रोल टैंक पीछे आप देख सकते हो, और बैक की टेल लाइट आप लोग देख लो। पीछे ब्रेक्स की बात करते हैं तो पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलेंगे, पीछे भी आपको TVS का टायर और 110/80 का टायर है, 12 इंच का एलॉय। बैक का सस्पेंशन देखो स्प्रिंग में प्रेजेंट है और रेड कलर पे इस पर भी प्रेजेंट किया गया। और ओवरऑल स्कूटर की लुक बहुत ही इन्हांस कर दी गई है। अगर अब लेने में कोई दिक्कत होता है एंटॉक तो ये वाली कलर ज़रूर उठाना आप लोग, बहुत ही अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो आपको डिटेल देते हैं अब कहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ TVS ओम मोटर्स जो प्रेजेंट है ठोगर नंबर 4 अबुल फजल पार्ट 2 न्यू दिल्ली में, और J11 में प्रेजेंट है। और इनका जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे। प्राइसिंग की बात करते हैं दिल्ली में तो ऑन रोड जो प्राइस है वो है 93,069 रुपीज़ ओनली। तो आप लोग यहाँ पे विज़िट करो और आप लोगों को लेनी है तो ले लो। और मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग एंटॉक लेते हो तो ये वाली कलर ज़रूर उठाना, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वकांडा फॉरएवर और का आपको इस पर मिल जाएगा ग्राफिक्स। चलिए वीडियो एंड करते हैं, होप सो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।